या कहानी नानी दादी के द्वारा या बनावटी नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है जो वर्ष पूर्व झारखंड में छोटा नागपुर की घटना है, जिसके अवशेष आज भी छोटा नागपुर में मौजूद है। एक राजा के सात बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सात भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आँख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़ कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बेटी से साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर महामारी समझ खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले साग में सारा खून को पोछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ न कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि वह कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही पकाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा व सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून कितना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुँह से लार टपकने लगता है। स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए का आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उनकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर चले जाते हैं, जहां वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान में जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। अपना अपना धनुष लेकर वो शिकार करने का ढोंग करके वहाँ से चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो। फिर सभी भाई मचान से कुछ दूरी पर स्थित अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छओ भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही देर धार कर दूसरी दिशा में तीर छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है।
छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटा राजकुमार को जबरदस्ती उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। ढेर देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहाँ आते हैं। नाग देवता उसे कहते हैं कि लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं। अब बहुत ही गुस्से से उसे राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने देते हैं, पर छोटा भाई उन लोगों से चुप कर उस मांस को दूर में जाकर फेंक देता है। कुछ दिनों बाद वहां सुंदर सुंदर बांस के पौधे उग जाते हैं जो आज तक देखे जा सकते हैं। आज भी हर गांव में अंसारी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबेनी नामक पूजा स्थान पर वही सरोटी साग को चढ़ाया जाता है। मैंने इस कहानी के जरिए झारखंड के एक गांव की सच्ची घटना को व्यवस्थित किया है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए।